केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग। आपके पूर्व विधायक संदीप कुमार ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल से लगातार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है सीएम इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी ने भाजपा और ईडी पर साजिश के तहत सीएम की गिरफ्तारी करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुमार ने दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदाता होने के नाते वो व्यक्तिगत रूप से इस बात से व्यथित हैं कि उनके केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो पद संभालने में असमर्थ है। ये भी कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत से कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल संविधान के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यों को करने में असमर्थ हैं और इसलिए वो इस पद पर नहीं रह सकते। 21 मार्च को हुई थी दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च की शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड ली थी। इसके बाद रिमांड अवधि खत्म होने पर ईडी ने 1 अप्रैल को दिल्ली सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद से दिल्ली सीएम को तिहाड़ जेल में रखा गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के अनुरोध के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष होनी है। अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता संदीप कुमार ने तर्क दिया है कि प्रवर्तन निदेशालय नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कथित संलिप्तता के कारण हुई है। केजरीवाल अब संविधान के तहत मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं। संदीप कुमार ने कोर्ट में दायर की याचिका। संदीप कुमार ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल को जेल और उनकी अनुपलब्धता संवैधानिक ढांचे के लिए चुनौती है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री संविधान के आदेश के अनुसार जेल से प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 239(a)(4) पर प्रकाश डाला गया है, जो विधानसभा के अधिकार क्षेत्र के भीतर मामलों में उपराज्यपाल की सहायता और सलाह देने में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की भूमिका को रेखांकित करता है। केजरीवाल के खिलाफ कही ये बात। कुमार की दायर याचिका में संविधान के अनुच्छेद 239(a) के तहत मुख्यमंत्री का पद संभालने के उनके अधिकार और योग्यता पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल के खिलाफ अधिकार वारंट की रिट जारी करने का अनुरोध किया गया है और उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ जांच करने के बाद बिना पूर्वव्यापी प्रभाव के पद से हटाने की मांग की गई है। बता दें कि कथित तौर पर दिल्ली शराब घोटाला के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। वहीं आम आदमी पार्टी के अन्य नेता सत्येंद्र जैन भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। केजरीवाल जेल के अंदर से ही सरकार चला रहे हैं, जिस पर सत्ता पक्ष ने भी सवाल उठाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।